नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज आप देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे मुकुल चंद्र डे। तो मैं आज आपको यही पढ़ाने वाली हूँ। मुकुल चंद्र डे के बारे में हम बात करेंगे कि मुकुल चंद्र डे के चित्र किस प्रकार थे, इनकी शिक्षा कहाँ हुई, इनका जन्म कहाँ हुआ। तो चलिए आज हम इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मुकुल चंद्र डे के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 23 जुलाई, देखिए मुकुल चंद्र डे का जो जन्म है 23 जुलाई 1895 ईस्वी को हुआ था। 23 जुलाई 1895 ईस्वी को, ठीक। अब आप आगे देखेंगे इनका स्थान कहाँ हुआ था, जन्म स्थान, तो श्रीधर बेला वर्तमान में किस नाम से है, बांग्लादेश। अब बात आती है इनकी शिक्षा के बारे में। तो इनकी जो आरंभिक शिक्षा है वो रविंद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में हुई थी। और कहां हुई थी, शांतिनिकेतन में हुई थी। इसके पश्चात देखेंगे, तत्पश्चात इनकी जो शिक्षा है वो अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में हुई थी। और कहां, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट। ये देखिए, सबसे पहले इनकी जो कला शिक्षा है वो रविंद्रनाथ टैगोर के निर्देशन में हुई थी। उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर के निर्देशन में हुई है, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट। अब बात करते हैं, इन्होंने एचिंग की शिक्षा भी ली थी, मुकुल चंद्र डे ने। तो एचिंग की जो शिक्षा है वो इन्होंने कहां से ली थी, तो एचिंग की शिक्षा इन्होंने अमेरिका से ली थी। अमेरिका में कहां से ली थी देखेंगे, अमेरिका के शिकागो जेम्स ब्लेडिंग एलोन तथा जेक्स के निर्देशन में, अमेरिका देखिए एचिंग की शिक्षा कहां से ली थी इन्होंने, शिकागो जेम्स ब्लेडिंग, शिकागो जेम्स ब्लेडिंग। और दूसरा नाम था जेक्स के निर्देशन में, ब्लेडिंग एलोन, और लिखिए इनका पूरा नाम है ब्लेडिंग एलोन तथा जेक्स, तथा जेक्स के निर्देशन में, दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट, ये देखिए, तथा जैक्स के निर्देशन में इनकी शिक्षा हुई थी। अब आगे बात करते हैं, हम कुछ चर्चा भी करेंगे। ये सदस्य रहे थे शिकागो सोसाइटी ऑफ टीचर्स के, सदस्य रहे शिकागो सोसाइटी ऑफ टीचर्स। इसके भी ये सदस्य रहे थे। और इसके बाद आप देखेंगे इनकी नियुक्ति हुई थी गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता, इनकी नियुक्ति हुई गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता में इनकी नियुक्ति होती है। और ये स्थाई प्राचार्य के पद पर इनकी यहाँ पर नियुक्ति होती है, स्थाई प्राचार्य बनाए गए थे, यहाँ पर इनकी नियुक्ति हुई थी। और सर्वप्रथम आप देखेंगे इन्होंने इस स्कूल में जो कार्य किया था वो महिलाओं को दाखिला दिलाने का कार्य सर्वप्रथम मुकुल चंद्र डे का था। महिलाओं को दाखिला दिलाया मुकुल चंद्र डे ने आर्ट ऑफ स्कूल में, कहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता में इन्होंने यहाँ दाखिला दिलाया
स्कूल ऑफ आर्ट, सॉरी स्कूल ऑफ आर्ट छूट गया, स्कूल ऑफ आर्ट कर लेंगे यहाँ पर, स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता। यहाँ पर सर्वप्रथम महिलाओं को दाखिला इन्होंने दिलाया था। इनको जाना जाता है फोटो के लिए, जाना जाता है फोटो के लिए। अब आप सोचेंगे फोटो के लिए कैसे, मतलब इन्होंने सबसे ज्यादा फोटो खींची थी, किसकी फोटो खींची थी इन्होंने? तो इन्होंने सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर सुरूल के टेराकोटा मंदिर की फोटो खींची, फोटो ली किसकी? सुरूल के मंदिर, किस चीज का मंदिर है वो? टेराकोटा मंदिर, सुरूल के टेराकोटा मंदिर की एक बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने फोटो खींची थी, उसके लिए जाने जाते हैं, जिसे बाद में नाम दिया गया था बीरभूमि टेराकोटा नामक एल्बम। इनके फोटो को बीरभूमि टेराकोटा नामक एल्बम नाम दिया गया था, का बीरभूमि टेराकोटा मंदिर, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत, सॉरी बीरभूमि टेराकोटा मंदिर नहीं, मंदिर तो ऊपर है, यहां लिखेंगे आप एल्बम, फोटो खींची है तो उसका एल्बम बना था, इसको एल्बम के नाम से दिया गया था। और इसको प्रकाशित किया गया था 1959 ईस्वी में, प्रकाशित किया गया 1959 ईस्वी में, किसको प्रकाशित किया गया? एल्बम को इनकी प्रकाशित किया गया 1959 ईस्वी में, कहां? ललित कला अकादमी नई दिल्ली, ललित कला अकादमी नई दिल्ली। देखिए ये था मुकुल चंद्र डे के बारे में। तो सदस्य रहे थे शिकागो सोसाइटी ऑफ टीचर्स के, नियुक्ति हुई थी गवर्नमेंट, इनकी प्राचार्य के पद पर नियुक्ति हुई थी स्थायी रूप में, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता, जाना जाता है फोटो के लिए क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा फोटो ली थी सुरूल के टेराकोटा मंदिर की, एक एल्बम पूरा उस पर इन्होंने तैयार किया था और उस एल्बम को प्रकाशित किया गया था 1959 ईस्वी में, नई दिल्ली राज्य ललित कला अकादमी ने, दिल्ली ने उसको प्रकाशित किया था। इनके कुछ चित्र हैं, तो चित्रों के बारे में मैं चाहती हूँ अलग से मैं कुछ वीडियो लेकर आती हूँ और उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद मैं थोड़े से करंट आर्टिस्ट भी आपको कराऊंगी, पहले बंगाल शैली हम फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद जो करंट आर्टिस्ट हैं 2016 में आए हुए उन पर हम चर्चा करेंगे। तो तब तक बच्चों इसको पढ़िएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके चित्र लेकर आऊंगी, ठीक है, धन्यवाद।